एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में मैट्रिक्स। उसमें पहला टॉपिक में लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर। इसमें पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे वर्किंग रूल, उसके बाद हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पर। तो लेट अस स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। देखिए बच्चों, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स डेफिनेशन। Vectors x1, x2, x3 up to xn are said to be dependent if number one, all scalars are of the same order. What it mean? All vectors are of the same order. Means अगर आपके पास vectors हैं, जैसे ये vectors आपको दिख रहा है 1, 2, 4, दूसरा vector ये, तीसरा, चौथा vector, इसमें जो आपको components दिख रहे हैं, तीन कॉम्पोनेंट्स यहाँ भी दिए, हर जगह पर जितना कॉम्पोनेंट्स है वो सेम होना चाहिए हर वेक्टर में। उसी का मतलब होता है कि वेक्टर शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी एक वेक्टर में जितने एलिमेंट रहेंगे सारे वेक्टर्स में उतना होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा स्केलर्स लैम्डा 1, 2, λn नॉट ऑल जीरो सच दैट लैम्डा 1x1 प्लस लैम्डा 2x2 प्लस प्लस लैम्डा xn इक्वल टू जीरो। ओके, मैं आपको समझाती हूँ बच्चा कैसा है कि आपका सपोज करो ये वेक्टर्स हैं x1 to xn, और उसके लिए लेट्स सी दिस x1 x2, आपके पास n वेक्टर्स है, इसके लिए n स्केलर एग्जिस्ट होते हैं। स्केलर बोले तो कॉन्स्टेंट नंबर्स होते हैं, जैसे आपके पास लैम्डा 1, 2, λn, ये स्केलर्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों को अगर मिला दें कि लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 प्लस x2 अप टू ऑल लैम्डा n xn इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो वेक्टर और स्केलर का कॉम्बिनेशन, इसी को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर। तो हमें ये इस टॉपिक में बताना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियर डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए दो कंडीशंस है स्केलर की। ये जो आपको स्केलर दिख रहे हैं लैम्डा 1 टू लैम्डा n, ये नॉट ऑल जीरो, इसमें से एक तो भी जीरो नहीं चाहिए, ऑल जीरो नहीं चाहिए। लीनियर डिपेंडेंट अगर बताना है आपको तो ये जो वैल्यू है लैम्डा 1 की, समझ लो लैम्डा 1 की जीरो है, लैम्डा 2 की जीरो है, लैम्डा 3 की जीरो है, कम से कम एक ऐसा स्केलर होना चाहिए जिससे लैम्डा 4 मैंने लिया जिसकी समझ लो वैल्यू 1 है। तो ये चार अगर आपके पास स्केलर है तो चार में से एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये इसी को बोलते हैं नॉट ऑल जीरो। तो अगर ये वैल्यूज आपकी नॉट ऑल जीरो आती है स्केलर्स की वैल्यू, उसमें से मतलब एक कम से कम एक जीरो नहीं आता है, या सारे नॉन जीरो एक जो तब भी चलेगा कॉम्बिनेशन, तो नॉट ऑल जीरो आता है, देन ये जो वैक्टर्स हैं वो होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स। अगर ये सारे लैम्डा जितने भी आपके पास रहेंगे सारे जीरो हुए तो हम लोग बोलते हैं वैक्टर्स को लीनियरली इनडिपेंडेंट वैक्टर्स। समझ में आया बच्चों? बहुत ही सिंपल है, यानी ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर स्केलर का, ये एग्जिस्ट कब होगा? जब आपके जो वैल्यू है लैम्डा की वो नॉट ऑल जीरो आएगी, नॉट ऑल जीरो वैल्यू आएगी तभी आपका लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा आपका। ये लैम्डा 1x1 प्लस लैम्डा 2x2 प्लस लैम्डा 3x2 टू लैम्डा n xn इक्वल टू जीरो। ओके, तो लिखा है अदरवाइज दे आर लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि सब अगर पूरा जीरो आ गया, लैम्डा की पूरी वैल्यू जीरो आ गई तो आपके जो वेक्टर्स रहेंगे उस सूरत में उसको बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखिए कि इसका वर्किंग रूल किस तरह से है कि हम कैसे शो करेंगे कि गिवन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसके वर्किंग रूल है। तो पॉइंट नंबर 1 को फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा मतलब वेक्टर्स दिए जाएंगे उनको लिखना है आंसर में। फर्स्ट लाइन राइट डाउन द गिवन वेक्टर्स, दूसरा रहेगा आपका राइट लीनियर कॉम्बिनेशन टू जीरो। ये लीनियर कॉम्बिनेशन में सी वाली लाइन लिखना रहेगा लैम्डा 1x1 लैम्डा 2x2 प्लस अप टू प्लस लैम्डा xn इक्वल टू जीरो, दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट, अप्लाई रैंक मेथड और क्रैमर्स रूल टू गेट द वैल्यू ऑफ स्केलर्स। अब क्या करना है, ये आप सेकंड स्टेप में लिखने के बाद आपको लैम्डा 1 लैम्डा 2 जितने लैम्डा रहेंगे स्केलर्स में उसकी वैल्यू पता करने पड़ेगी, उसके लिए आप यूज कर सकते हो रैंक मेथड यूज कर सकते हो या क्रैमर्स रूल भी यूज कर सकते हो और इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है 4, चेक द स्केलर्स ऑल जीरो और नॉट ऑल जीरो। उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्रैमर्स रूल से रैंक मेथड से, तो लैम्डा की वैल्यू को देखना है कि ऑल जीरो वैल्यू अगर चार है तो चारों जीरो आए हैं या फिर उसमें से एक आध नौ जीरो आया,
नॉट ऑन जीरो और ऑल जीरो, दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू नॉट ऑन जीरो आती है तो वेक्टर होंगे आपके उस केस में लीनियर डिपेंडेंट। और आपको देन उसके बाद लिखना है फाइनल आंसर आपका, जो मैंने लिखा है राइट योर फाइनल आंसर, वो यहाँ पर आपको ये जो दी है कॉम्बिनेशन में आपको जाके लैम्डा वन की वैल्यू, लैम्डा टू, जितने लैम्डा वन की वैल्यू सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, यही आपका रहेगा फाइनल सॉल्यूशन। अगर सारी वैल्यू लैम्डा की जीरो आती है तो ये रिलेशन आपको फाइनल आंसर में नहीं लिखना है, लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री की वैल्यू जीरो आएगी तो सारा जीरो हो जाएगा, तो वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से पूरा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। से एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जामाइन द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर लीनियर डिपेंडेंस एंड फाइंड द रिलेशन इफ एग्जिस्ट। ये आपको चार वेक्टर्स है, एक्स वन, वन टू फोर, एक्स टू, टू माइनस एम थ्री, एक्स थ्री, जीरो वन टू, एक्स फोर माइनस थ्री, सेवन टू। अब देखो हर क्वेश्चन में सेंटेंस ही रहने वाला है, एग्जामाइन द फॉलोइंग वेक्टर्स फॉर लीनियर डिपेंडेंस, आपको शो करना है कि एग्जामाइन करना है कि ये वेक्टर्स जो चार दिए हैं वो लीनियर डिपेंडेंट है क्या। अगर है तो उनमें रिलेशन, उनमें रिलेशन मतलब जैसे एक्स वन ये आपको जैसे लैम्डा वन लैम्डा टू की कोई नंबर में वैल्यू आएगी वो रखेंगे तो आपका आंसर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, इस तरह से वेक्टर्स के बीच में एक इक्वेशन आएगा, उसी को बोलते हैं रिलेशन। तो वो रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर आपका जो स्केलर रखने पर स्केलर पे स्केलर की वैल्यू आप निकालोगे और जीरो आएगी तब वो होगा लीनियर डिपेंडेंट, चेक करना ऐसा होता है क्या, उसके बाद वो रिलेशन है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है छह मार्क्स का स्टूडेंट। तो हम लोग आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। आंसर स्टेप के हिसाब से सबसे पहले क्या करना है, राइट डाउन द गिवन वेक्टर्स, ये चार वेक्टर्स लिख लो पहले, एक्स वन इक्वल टू वन टू फोर, एक्स टू इज इक्वल टू टू माइनस वन थ्री, एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो वन टू एंड एक्स फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री सेवन एंड टू। ठीक है, ये गिवन वेक्टर्स हमारे पास है, इससे आप क्या करो, अब लिखो आप लीनियर फॉर्म इस पे, ये कितने हैं आपके, एक दो तीन चार, चार वेक्टर्स हैं, चार वेक्टर्स हैं तो आपको पकड़ना है करस्पॉन्डिंग चार स्केलर्स। तो लेट लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री एंड लैम्डा फोर आर फोर स्केलर्स, फोर स्केलर्स। अब ये वेक्टर स्केलर्स, अब लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लेंगे इसका, लैम्डा वन एक्स वन प्लस लैम्डा टू एक्स टू प्लस लैम्डा थ्री एक्स थ्री प्लस लैम्डा फोर एक्स फोर इज इक्वल टू जीरो, इसको देंगे इक्वेशन नंबर वन। अब हमें क्या करना है, इस लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो लिखने के बाद हमें इंटरेस्ट है लैम्डा वन की वैल्यू निकालना, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री एंड लैम्डा फोर। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स वन की वैल्यू देखिए, एक्स वन की वैल्यू हमें वन टू फोर दिया है, फिर एक्स टू की वैल्यू दिया है टू माइनस वन थ्री, एक्स थ्री की तरह से एक्स फोर की वैल्यू दिया है। ठीक है, अब सिंपल सी बात मैं बताती हूँ आपको, एक लॉजिक फॉलो करो आप, ये एक के नीचे एक लिखा हुआ वेक्टर्स है, इसमें क्या करो, सबसे पहले आप इस तरह से सीक्वेंस ले लो, पहला नंबर सबको कैप कर लो, ठीक है, इसके साथ लैम्डा वन लगा दो, इसके साथ लैम्डा टू लगा दो, इसके साथ लैम्डा थ्री, इसके साथ लैम्डा फोर, क्या होगा वन लैम्डा वन, इस तरह से वन लैम्डा वन, इसका लैम्डा वन, इसके साथ लैम्डा टू, टू लैम्डा टू, इसके साथ लैम्डा थ्री, जीरो लैम्डा थ्री, फिर माइनस थ्री लैम्डा फोर इज इक्वल टू जीरो। यानी पहला डिजिट सबका पकड़ा तो एक इक्वेशन बन गया, अब ऐसे उससे दूसरा डिजिट पकड़ लो सबका, इस लैम्डा वन इसके साथ लैम्डा टू, लैम्डा थ्री एंड लैम्डा फोर, इस तरह से आएगा टू लैम्डा वन प्लस यानी माइनस साइन आ जाएगा तो वन लैम्डा टू, फिर प्लस वन लैम्डा थ्री प्लस सेवन लैम्डा फोर जीरो टू जीरो, प्लस लैम्डा जीरो टू वैसे फोर लैम्डा वन प्लस थ्री लैम्डा टू प्लस टू लैम्डा थ्री प्लस टू लैम्डा फोर जीरो टू जीरो। ये आपके हमारे बन गए इक्वेशंस, ठीक है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। अब यहाँ से हम लोग को पता करना है लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री की वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं, मैंने डिस्कस किया यहाँ पर रैंक मेथड, रैंक मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हैं वैल्यू सिस्टम को सॉल्व करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म का रैंक मेथड से निकाल लेते हैं इसको, तो लेट अस सी कैसे किस तरह से निकालेंगे अभी। देखो इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में हमें लिखना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स का सिंबल लो, ठीक,
मैट्रिक्स सिंबल में कोएफिशिएंट था लैम्डा 1 का, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, तो 1, 2, 0, -3, 1, 2, 0, -3। सर दूसरा 2, -1, 1, 7, 2, -1, 1, 7, 4, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 2। यहाँ पर आ जाएगा आपका लैम्डा कितने हैं, 4, तो यहाँ के 4 लैम्डा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 इज इक्वल टू, हाँ ये जीरो, इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, 0, 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 0 जीरो को लिख सकते हैं, 0, 0। ये अगर आपकी डी एल में शो कर रहा है तो आप डी एल में टाइप पर लिख सकते हो 0, 0, 0। अब इसको क्या है, यहाँ पर हमको इसका रैंक यानी अपर ट्रेंगुलर फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है इस मैट्रिक्स को, तो उसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, अपर ट्रेंगुलर फॉर्म के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ से, इसको तो इसमें से डाल यूज कर दिया, ये पार्ट हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 बाय 3, 3 रो 3 कॉलम। तो इसमें डायगोनल को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको अपर ट्रेंगुलर फॉर्म में लाने के लिए हमें डायगोनल सेलेक्ट करना है, और डायगोनल के जो 3 एलिमेंट हैं इनको बताना है हमें 0, राइट। हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ठीक है। अब डायगोनल को सेलेक्ट करने के बाद 3 इसको 0 बनाने के लिए मलाई मार्किंग से क्या करना पड़ेगा, देखो इसको 0 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीपल करो, इसको बोलते हैं रो नंबर 2, रो नंबर 2 माइनस 2 टाइम्स रो नंबर 1। हमें क्या करना पड़ेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन से R2 चेंज R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसको 0 बनाने के लिए इसके साथ कॉम्बिनेशन लेंगे, तो 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, तो इसको लिखेंगे R3 चेंज R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1, दिस इज कॉल्ड रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग सिर्फ R2 और R3 ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेट अस सी क्या होता है, हमें देखो, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखा, यहाँ पर चेंज करें, जहाँ चेंज करें वहीं पहले कर दीजिए, तो दिस माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 माइनस 2 विल बी 0 ही है। यहाँ पर आपको माइनस 1, ये माइनस 1 हो गया, फिर आएगा आपका माइनस साइन, इसको 2 से मल्टीपल करें, इसको आप 2 से मल्टीपल करें तो 4 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर 1, ये तो 0 है तो 1 ही आएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सर ऐसे यहाँ भी कॉम्बिनेशन ले लेंगे, दिस इज 7, ये 7 है, फिर माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये रहेगा 6, ये हो जाएगा आपका 13। ऑपरेशन ये सारे के साथ करना, ठीक है। अब ये रो पे आ जाते हैं, दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, 4 माइनस 4 0, ये 3 है आपका 3, क्योंकि इसको आप टाइम्स मल्टीपल करेंगे 4 से, 3 माइनस 4 टू 8, यानी आएगा आपके पास माइनस 5 टाइम्स ऑफ, जैसे यहाँ पर जाते हैं फिर रखते हैं 2 माइनस 0, तो दैट इज 2, स्टिल वही रहेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद 2, दिस 2 माइनस ऑफ, फिर से हमारे पास माइनस साइन है, 4 इज 12, तो ये आएगा 14 नंबर, ऐसा वैसा, ठीक है। पहला रो चेंज, तो 1, 2, 0, -3 आज इट इज, एंड इसके अलावा नंबर 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 इज इक्वल टू 0, 0, 0, ठीक है। हाँ, अब ये पहले कॉलम में 2 0 आ गया, अब ये इन टू 0, मतलब इस प्लेस को 0 बनाना है। इस प्लेस को 0 बनाने के लिए हम लोग इस एलिमेंट का, इस रो का यूज करेंगे। देखो अगर -5, -5 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब इसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा, तब आ जाएगा 0। तो रो नंबर 3 माइनस रो नंबर 2, चेंज कर रो नंबर 3 मिला है, तो R3 चेंज, R3 माइनस ऑफ R, सिंपल चेंज, R3 मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले R3 का चेंज लिख लेते हैं, ओके, ये आएगा 0, -0 इज 0, लास्ट वन, -5, -5 विल बी 0, ये आएगा 2, 2 माइनस ऑफ 1, तो आ जाएगा 1, दिस माइनस दिस, 14 माइनस 13 इज 1। क्लास हो गया, पहले दो रो में नो चेंज, पहले दो रो लिख लेते हैं 1, 2, 0, -3, 0, -5, 1, और ये 13। देन लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 इज इक्वल टू 0, 0, 0। देखो जो आपको डायग्राम
ट्रायंगल भी इसी वजह में जीरो आ गए, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल फॉर्म, या तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जस्ट इसका इसको अलग कर लेना है। दिस इज दिस वाज द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस तरह से आप देख सकते हो इसको, जैसे हम इसी मैट्रिक्स फॉर्म से इक्वेशंस बनाएंगे, जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा 1, 2 से लैम्डा 2, 0 से लैम्डा 3, माइनस 3 से लैम्डा 4। तो 1 लैम्डा 1 दैट इज लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 प्लस 0 लैम्डा 3 माइनस 3 लैम्डा 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ तो 0 लैम्डा 1 लैम्डा 1 चल जाएगा, तो यानी 5 टाइम्स माइनस 5 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस 13 लैम्डा 4 इक्वल टू 0। तो ये लैम्डा 3 है, लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी आपके पास इक्वेशंस 3 आ रही है, इक्वेशन है आपके पास 3 और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 यानी अननोन्स आपके पास, इसको हम लोग अननोन कहेंगे, अननोन आपके पास कितने हैं 4। तो जब भी इक्वेशन आपकी नंबर ऑफ अननोन आपने जो से ज़्यादा है यानी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो यानी अननोन इक्वेशन से ज़्यादा अगर आते हैं दैट इज आप उनको डिफरेंस कर लीजिए 4 माइनस इज इक्वल टू 1, यानी एक वेरिएबल को आपको कॉन्स्टेंट वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा, वन वेरिएबल। तो आप नेक्स्ट इसमें कर लेते हैं कंसिडर, तो हम क्या करें यूजली लास्ट जो आपका अननोन रहता है उसको ऑलरेडी कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, नेट से नंबर 4 इज इक्वल टू के, ये अज्यूम कर लीजिए नॉन जीरो वैल्यू, क्योंकि हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन गेन डिपेंडेंट के सर्च में हम लोग नॉन जीरो वैल्यू हमें बतानी चाहिए। तो लैम्डा 4 इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट नंबर ले लीजिए, तो यहाँ पर रख देंगे तो आपको मिल जाएगा लैम्डा 3 का वैल्यू। से वी कैन लेंगे आल्सो इक्वेशन इक्वल टू इसको 3 इसको 4 ले, ठीक है 2 3 4। तो ये वैल्यू जो है लैम्डा 4 की 4 में रख दो, 4 इम्प्लाइज लैम्डा 3 प्लस के क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू रहेगा माइनस के। इसी के तरीके से लैम्डा 3 लैम्डा 4 की वाली यहाँ रख दोगे 3 में तो आपको लैम्डा 3 मिल जाएगा। रख देते हैं वैल्यू, इक्वेशन थर्ड इम्प्लाइज माइनस 5 टाइम्स लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी माइनस के प्लस 13 लैम्डा 4 की वैल्यू के इज इक्वल टू 0, तो माइनस 5 टाइम्स लैम्डा 2 माइनस के प्लस 13 प्लस 12 के इज इक्वल टू 0, माइनस 5 लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस 12 के, माइनस माइनस कैंसिल लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी 12/5 के। अभी लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 2 की वैल्यू रख देंगे 2 में तो आपको मिल जाएगा लैम्डा 1, सो 1 इम्प्लाइज लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी 12/5 के प्लस 0 लैम्डा 3 को अवॉइड कर देंगे माइनस 3 लैम्डा 4 इज के इज इक्वल टू से 0। तो लैम्डा 1 से निकाल कर लेते हैं 24k/5 माइनस 3k इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा 1 प्लस 24k माइनस 15k/5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 9 लैम्डा 1 प्लस 9/5k इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा 1 इज माइनस 9/5k। इस तरह से सब स्केलर्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, राइट। अब हम देख रहे हैं कि अभी ये स्केलर्स की वैल्यू 0 है या ऑल 0 है या नॉट ऑल 0 है। देखो ये k हमने लिया था, k k को नॉन जीरो ले लो, k की वैल्यू नॉन जीरो कंसीडर करो, नॉट इक्वल टू 0, तो इस k 0 नहीं है, तो k 0 नहीं रहेगा, तो ऑल जैसे लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा 4 की k 0 को कौन लेगा समझ लो, k 0 को कौन, तो ये 1 आ गई, तो लैम्डा 3 माइनस 1 आ जाएगी, इस तरह से 12/5 आ जाएगा माइनस 9/5, यानी कि यहाँ जो आपको लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा 4 मिलेगा ये नॉट ऑल 0 आ रहा है, नॉट ऑल 0, तो नॉट ऑल 0 पर हमारा रहेगा इवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस ऑल स्केलर्स आर नॉट 0 इम्प्लाइज
given given vectors are linearly dependent. देखो जब वेक्टर्स लिए डिपेंडेंट आता है तो उनका रिलेशन बन जाएगा, लिए डिपेंडेंट जब आएंगे रिलेशन शो करना है. रिलेशन शो करने के लिए आप ये वैल्यूज को पा रही हैं इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन वो और था नंबर वन एक्स वन नंबर टू एक्स टू प्लस नंबर थ्री एक्स थ्री प्लस नंबर फोर एक्स फोर इज इक्वल टू जीरो. सो वन लैम्डा वन का वैल्यू, लैम्डा वन का वैल्यू है माइनस नाइन बाई फाइव टी. लैम्डा वन एक्स वन प्लस लैम्डा टू, लैम्डा टू है ट्वेल्व बाई फाइव के प्लस लैम्डा थ्री एक्स थ्री, लैम्डा थ्री है माइनस के प्लस लैम्डा फोर के एक्स फोर इज इक्वल टू जीरो. और पॉजिटिव सिंपलीफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर के समय के के बाय फाइव से के बाय फाइव नहीं एक्चुअली कैंसिल करने के लिए फाइव बाय के माइनस फाइव बाय के से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव बाय के. अब फिर क्या मिलेगा देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस चल जाएगा सिर्फ मिलेगा नाइन. यहाँ पर के भी कैंसिल हो जाएगा, फाइव के भी कैंसिल हो जाएगा, नाइन एक्स वन माइनस फाइव कैंसिल के कैंसिल ट्वेल्व एक्स टू. या फाइव डालोगे तो फाइव फाइव भी कैंसिल होगा, के भी कैंसिल हो जाएगा. फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फाइव कैंसिल फाइव एक्स थ्री. के आपने क्या लिया है, के कैंसिल हो जाएगा फाइव एक्स फोर इज इक्वल टू जीरो. ये आपका बन गया रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स. ठीक है, यही आपका रहेगा फाइनल थ्योरम व्हिच इज रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स. तो स्टूडेंट्स ये याद रखना कि जब भी आपका वेक्टर्स है स्केलर वेक्टर्स सॉरी नॉट और जीरो, नॉट जीरो आएगा ऑल अगेंस्ट आर नॉट जीरो, तभी आपको रिलेशन लिखना है, अदरवाइज आपको रिलेशन नहीं लिख सकते. ऑल जीरो आएगा तो रिलेशन बनेगा नहीं. ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी दे रही हूँ आपको. एक्स वन इक्वल टू माइनस वन थ्री टू, एक्स टू इक्वल टू वन थ्री फोर टू, एक्स थ्री इज इक्वल टू थ्री माइनस फाइव टू टू. सेकेंड प्रॉब्लम एक्स वन इज इक्वल टू वन टू माइनस वन थ्री, एक्स टू इज इक्वल टू टू माइनस वन थ्री टू, एक्स थ्री इज इक्वल टू एट माइनस नाइन फाइव. सो ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कोई भी डिफिकल्टी है तो मुझसे कंसल्ट करना स्टूडेंट्स. अगर नहीं आएगा जो भी डिफिकल्ट जाएगा मैं इसको सोल्यूशन भी आपको सेंड कर दूँगा. सो स्टूडेंट्स ये इस लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस में सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि स्केलर की वैल्यू, स्केलर की वैल्यू सारी जीरो आती है तो रिलेशन नहीं बनेगा, इंडिपेंडेंट होगा. और अगर नॉट और जीरो आती है इसमें से चार है तीन है उसमें से अगर एक जीरो आता है बाकी नॉन जीरो रहता है, या फिर तीन जीरो एक नॉन जीरो तभी नॉट और जीरो में आया कर चला जाए तभी लीनियर डिपेंडेंट होगा वेक्टर्स, और इनका रिलेशन बताना पड़ेगा जो मैंने लास्ट एक में लिया. तो यहाँ तक के पाँच मार्क्स में जो आपको वैल्यू निकालना था उसके बाद एक मार्क रिलेशन के रहने के लिए, तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना रहता है. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.